jain defence aspirants welcome back to my channel ssp success for any query regarding afsb and ssp kindly join our telegram channel ssp success whose link is given in the description box so guys today we are going to cover previous year question paper of nda 1 2011 so, what you have to do is to hear me out till the end, and that's it. And before exam, go through this video at least twice, and I'll be covering the general ability test questions of NDA from 2011 to 2020. So, guys, let's get started. So, this is the example question I mean, passage. You have to read it out and uh, attempt it by yourself. सो पैसेज वन से शुरू करते हैं तो पैसेज वन पढ़ने के बाद अब हम क्वेश्चंस के आंसर को टिक करते हैं ओके okay. तो आप ये कर सकते हो जैसे मैंने इसके आंसर साथ नहीं दिए तो आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो और मैंने एंड में जो है इनके पूरे हंड्रेड एंड फिफ्टी के आंसर्स भी लिखे हुए हैं तो आप पहले खुद अटेम्प्ट करके फिर उनको टैली कर सकते हो सो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं सो so, पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्शन सो चारों इनको पढ़ते हैं गांधी वॉज अ ग्रेट मैन थ्रू आउट हिज लाइफ मैन आर बॉर्न ग्रेट बट दे आर मेड ग्रेट सेल्फ एफर्ट गांधी लाइक द ऑर्डिनरी पीपल एंड नेग्लेक्टेड द रिच गांधी ट्रांसफॉर्म द ऑर्डिनरी दर्डनरीरो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो जो चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो है फर्स्ट तो फर्स्ट का आंसर फर्स्ट में कौन कौन सी आ रही okay. so है सेकेंड एंड फोर्थ ओके सो सेकेंड क्वेश्चन है गांधी ट्रांसफॉर्म द अनएजुकेटेड पीपल बाई टीचिंग दॉट तो गांधी ने जो अनएजुकेटेड पीपल को ट्रांस फॉर्म किया क्या पढ़ाने के बाद तो उन्होंने क्या पढ़ाया फेयरलेसनेस ओके okay. क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें क्या है कि उसमें है गांधीज एटीट्यूड टू द लेबर क्लास वाज वन ऑफ द तो इसका आंसर जो है थर्ड का जो गांधी का एटीट्यूड था लेबर क्लास के लोगों के लिए वो क्या था जेनरिस था तो इसका आएगा ए आंसर ओके अब फोर्थ की बात कर लेते हैं तो फोर्थ का है जो द वर्ड लियोनाइन इन द पैसेज मीन्स वर्ड जो वर्ड लियोनाइन है पैसेज में उसका मतलब क्या होता है तो उसका मतलब होता है करेजियस ओके okay. सो so, अब सेकेंड पैसेज पढ़ना है आपको सेकेंड पैसेज पढ़ने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कर लेते हैं ठीक है तो जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है उसका ये है द फेंस इज मेंट टू कीप द तो इसका आंसर है ए अ कंगारू इन एंड डिंगो आउट ओके सो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो क्या है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल सिंबल क्या है तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल सिंबल जो है वो कंगारू है ओके okay? सेवेंथ का है व्हाट हैज लेड टू द अनचेक ग्रोथ ऑफ मार्सुपियल पॉपुलेशन सो सेवेंथ का आंसर है बी दैट इज द दबसेंस ऑफ नेटिव प्रिडिटर ओके सो सेवेंथ का आंसर है बी एट्थ की बात कर लेते हैं द मार्सुपियल पॉपुलेशन इज अप इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज तो रीजन है बोथ वॉल एंड कंगारू काउंट एज मार्सुपियल्स ओके इसमें पैसेज थर्ड आपको पढ़ना है और पैसेज थर्ड पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं तो पैसेज थर्ड के पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे आ जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है बी तो मैनी नॉक्ट्रनल एनिमल्स डू नॉट है क्वेश्चन नंबर जो है उसको देख लेते हैं द कैटर्स एसोसिएटेड तो इसका आंसर है बी टच, ओके? सो अब स्पॉटिंग एरर्स पे आ जाते हैं ठीक है तो इसमें से अगर हम देखें तो इलेवेंथ का जो है वी आर मीटिंग टुडे आफ्टरनून टू डिस्कस मैटर एंड रीच अ कॉम्प्रोमाइज सो so, इसमें एरर किस में है इसमें एरर जो है वो पार्ट ए में है ओके okay? अब ट्वेल्थ की बात कर लेते हैं ईदो राम और यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन तो इसमें जो एरर है वो किस में है बी में है ओके okay? तो थर्टींथ की बात करते हैं थर्टीन में द स्टूडेंट फ्लैटली डिनाइड दैट ही हैड कॉपेड इन द एग्जामिनेशन हॉल सो थर्टींथ का आंसर है डी दैट मीन्स कोई भी एरर नहीं है अब फोर्टीन पे आ जाते हैं फोर्टीन का है बाय द टाइम यू अराइव टूमोरो आई हैव फिनिश्ड माय वर्क सो फोर्टीन में जिस पार्ट uh, में एरर है दैट इज यू नो पार्ट बी ओके फिफ्टीन पे आ जाते हैं द स्पीकर स्ट्रेस रिपीटेडली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द स्लम्स सो फिफ्टीन में जिसमें एरर है दैट इज ए अब आगे चलते हैं तो सिक्सटीन पे आ जाते हैं तो सिक्सटीन पे क्या है द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ इस टीम आर रिटर्निंग आफ्टर अ फोर्ट नाइट तो सिक्सटीन में जो एरर है दैट इज़ इन द बी पार्ट ओके अब सेवनटीन की बात कर लेते हैं जो सेवनटीन है उसका उसमें कहाँ एरर है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एन ऑल इंडिया टूर आई हैव टू डिस्क्राइब अबाउट इट सो सेवनटीन का जो पार्ट है जिसमें एरर है दैट इज़ इन पार्ट सी ओके एटीन की बात करते हैं तो द टीचर आज ए स्टूडेंट इफ दे हैड गॉन थ्रू ईदर ऑफ द थ्री चैप्टर्स इंक्लूड इन द इन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट तो जो एटीन है उसमें एरर है सी पार्ट में उसके बाद नाइनटीन की बात करें ऑल दो दे आर लिविंग इन द कंट्री सिंस दे वो मैरिड दे आर नाउ मूविंग टू द टाउन सो नाइनटीन के बी पार्ट में है एरर की बात करें डू यू नो हाउ के डी पार्ट में एरर है that means no error, okay? so, अब हम बात कर लेते हैं किसकी एंटोनिम की सो ट्वेंटी थर्टी तक जो होंगे वो एंटोनिम होंगे सो ट्वेंटी वन जो है उसमें है ऑल केयर इज फ्यूटाइल इन अर लेस केसेस ओके सो जो ट्वेंटी जो वर्ड है

अन इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल सो ऑपोजिट ऑफ इट वुड बी बिलीवेबल ट्वेंटी फोर्थ की अगर हम बात करें तो हिज असाइनमेंट्स हैव टेकन हिम टू मेनी एग्जॉटिक लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड सो एग्जॉटिक का ऑपोजिट वुड बी कॉमन ओके सो ट्वेंटी फिफ्थ की अगर हम बात करें ट्वेंटी फिफ्थ में ही हैज गिवन अप हिज विशियस हैबिट सो ट्वेंटी फिफ्थ का जो ऑपोजिट होगा दैट वुड बी बी पार्ट दैट इज वर्चुअस ओके ट्वेंटी सिक्स की बात करते हैं द डॉक्टर फाउंड द पेशेंट इनर्ट ओके सो ट्वेंटी सिक्स का जो ऑपोजिट होगा दैट इज ए एक्टिव सो ट्वेंटी सेवन पे अब आ जाते हैं तो ट्वेंटी सेवन का क्या है द इशू वॉज रेज टेंजियंसली इन द नेगोसिएशन सो जो ट्वेंटी सेवन का होगा दैट इज सी कैंडली वुड बी द आंसर ओके एंड दैट इज द ऑपोजिट ऑफ टेंजियंसली

एफिलेंट का ऑपोजिट होता है पुओ अब हम आ गए हैं रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंस पे ओके okay? सो so, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ये एग्जाम्पल आप खुद गो थ्रू कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब थर्टी वन पे चलते हैं सो थर्टी वन पे अब हम आ गए हैं तो थर्टी वन का क्या है इन द मिडल तो इन द मिडिल जो है वो शुरू का है और एंड का दिया हुआ है और हमें वो करना है पूरा पी क्यू आर एस के फॉर्म में मतलब कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है वो करना है तो जो इसकी सीक्वेंस करेक्ट होगी दैट वुड बी यू नो पी क्यू आर एस मीनस इसका जो थर्टी वन है थर्टी वन का जो आंसर होगा वो होगा ए पार्ट ओके अब थर्टी टू पे आ जाते हैं थर्टी टू का क्या है थर्टी टू का 32 का होगा सी पार्ट दैट मीन्स एस पी क्यू आर सीक्वेंस इसकी ठीक होगी ओके okay? थर्टी थ्री की बात कर लेते हैं जो थर्टी थ्री है थर्टी थ्री में कौन सी सीक्वेंस ठीक होगी थर्टी तो फोर में आपकी सी वाली सीक्वेंस ठीक होगी. होगी ओके, और आपकी थर्टी फाइव में भी सी वाली सीक्वेंस ठीक होगी थर्टी सिक्स में आपकी ए वाली सीक्वेंस ठीक होगी थर्टी सेवन्थ में आपकी जो होगी वो सी वाली सीक्वेंस ठीक होगी थर्टी एट में आपकी बी वाली सीक्वेंस ठीक होगी ओके okay. और आपकी थर्टी नाइन्थ में जो सीक्वेंस ठीक होगी वो होगी आपकी बी वाली फिर से ओके फोर्टी एथ में आपकी जो सीक्वेंस ठीक होगी दैट इज सी ओनली ओके अब हम आ जाते हैं फिर से किस पे अब हम आ गए सिनोनिम पे ओके okay. तो जो सिनोनिम है फोर्टी वन का का जो होगा सिनोनिम दैट वुड बी यू नो फोर्टी मीन स्ली फोर्टी थ्री का जो होगा इफेक्ट सो फोर्टी थ्री में जो सेल्यूटरी वर्ड है उसका सिनोनिम होगा डी दैट मीन बेनिफिशियल फोर्टी फोर का क्या होगा फोर्टी फोर में जो है वो इवॉक्ड है इवॉक का सिनोनिम क्या होगा कॉल्ड फोर होगा ओके तो फोर्टी फाइव जो है फोर्टी फाइव में है प्लीज डू नॉट गिव एनी मोर फ्लिम्जी फॉर नॉट हैविंग डन द वर्क ओके सो फोर्टी फाइव का ए होगा फ्लिम्जी का मतलब होता है वीक ओके तो फोर्टी फाइव का जो होगा वो ए होगा अब फोर्टी सिक्स की बात कर लेते हैं फोर्टी सिक्स का जो होगा इसमें है इंडीजेंट इंडीजेंट का जो सिनोनिम होता है दैट इज यू नो बी पुअर ओके

ओके okay, और फिफ्टी की बात करें फिफ्टी एथ में जो वर्ड है दैट इज एंड का सिनोनिम होगा प्रैक्टिकल ओके सो अब हम जनरल नॉलेज वाले पार्ट पे आ गए हैं ठीक है तो अब हम जनरल नॉलेज वाला पार्ट कर लेते हैं सो so अब क्वेश्चन कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर प्रैक्टिसिंग टैंक इरीगेशन इन द पेनसुलर इंडिया सो जो फिफ्टी है उसका आंसर है सी मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया आर पेरेनियल ओके फिफ्टी टू की बात कर लेते हैं so, 52 का आंसर जो है वो बी है और जो फिफ्टी थ्री है उसका आंसर जो है वो डी है और जो 54th है आपका, 54th का आपका क्या है बी है और आपका जो फिफ्टी फाइव है फिफ्टी फाइव का जो आंसर है वो आपका ए है ओके फिफ्टी सिक्स का जो है वो आपका आंसर बी है फिफ्टी सेवन्थ में आपका आंसर जो है फिफ्टी सेवेंथ में आपका बी पार्ट है आंसर ओके रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर फिफ्टी एट की अगर हम बात करें फिफ्टी एट में आपका आंसर बी है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्टी नाइन्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्टी नाइन्थ में आपका आंसर बी पार्ट है द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैवी इंडस्ट्रीज ओके सिक्सटीथ की बात करें तो सिक्सटीट में आपका आंसर ए है ओके okay? 61 की अगर हम बात करें तो सिक्सटी वन में जो आंसर है दैट इज बी पार्ट सेकेंड ओनली और सिक्सटी टू की बात करें तो सिक्सटी टू में भी आंसर बी ही है ओके बी मींस ओनली सेकेंड सिक्सटी थ्री की अगर हम बात करें तो सिक्सटी थ्री में जो आंसर है दैट इज सी सिक्सटी फोर में जो आंसर है दैट इज बी 65 में जो आंसर है दैट इज क्वेश्चन आप देख लो पहले हा? 65 में जो आंसर है वो है सी ओके okay? 66 में जो आंसर है है आपका वो बी 66 में बी ओके सिक्सटी सेवेंथ में जो है आपका आंसर वो है डी सिक्सटी सेवेंथ में क्या है आपका आंसर डी सिक्सटी एट्थ में जो आपका आंसर है दैट इज डी सिक्सटी नाइन्थ में जो आपका आंसर है दैट इज सी सेवेंटी एथ में जो आपका आंसर है दैट इज यू नो सी सेकेंड एंड थर्ड सेवेंटी वन में जो आपका आंसर है दैट दी सेवेंटी टू में जो आपका आंसर है दैट इज बी सेवेंटी थर्ड में जो आपका आंसर है दैट इज डी सेवेंटी फोर्थ का सी है सेवेंटी फाइव का आपका क्या है सेवेंटी फाइव में आपका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेवेंटी सिक्स में आपका आंसर है डी दैट इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेवेंटी सेवेंथ में जो आपका आंसर है दैट इज सी सेवेंटी एट्थ में आपका जो आंसर है दैट इज एवेंटी नाइन्थ में जो आपका आंसर है दैट इज बी सेव एट में आपका जो आंसर है दैट इज सी एटी वन में जो आपका आंसर है दैट इज सी एटी टू में जो आपका आंसर है दैट इज ए पार्ट लाइट ट्रेवल स्लोवर इन अ ग्लास देन इन एयर बिकॉज ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास सो एटी टू का आपका आंसर क्या है एटी टू का आपका आंसर है एटी थ्री का आपका आंसर है सी एटी थ्री का क्या है आपका आंसर सी एटी फोर का क्या है सी एटी सिक्स में क्या है क्वेश्चन दैट इज वेंकट रमन रामाकृष्ण वॉज ए जॉइंटली अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन ईयर टू थाउजेंड नाइन फॉर दी फॉर दी यू नो स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड एटी सेवेंथ का जो आंसर है दैट इज डी एटी एट का जो आंसर है दैट इज एटी नाइन्थ का जो आंसर है दैट इज टू अपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोपिक इलेप्टोटेशन एन एंगलट दिस एंगल रिजल्ट आंसर वुड बी सी ओके आंसर है सी नाइनटीएथ का आंसर है सी नाइंटी वन का आंसर है ए सो नाइंटी टू जो है वो है वॉट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइकॉन्स फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल सो नाइंटी टू का आंसर है सी वेस्ट टू साउथ नाइंटी थ्री का आंसर है दैट इज सी नाइन्टी फोर का आंसर है बी सो नाइंटी फाइव का क्वेश्चन क्या है वाई द समर मॉनसून विन्स ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर सो जो नाइनटी फाइव है उसका आंसर है सी का आंसर है सी नाइंटी सेवेंथ का जो आंसर है दैट इज बी ओके ओकेवेंथ का आंसर है बी नाइन्टी एट जो क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजन फॉर द मार्ट इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इन द पास डी का जो आंसर है दैट इज सी ए हंड्रेड का आंसर क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले कंसिडर द हिमालय वेजिटेशन वेर इज अकॉर्डिंग टू बोथ ऑल्टीट्यूड एंड क्लाइमेट कंडीशन देर आर मेनली टू टाइप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दैट आर फाउंड इन द हिमालय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिस ओनली ए हंड्रेड एंड वन का आंसर है ए हंड्रेड एंड टू का आंसर है

हंड्रेड एंड सिक्स की अगर बात करें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं मास ऑफ बी इज फोर टाइम्स दिन दैट ऑफ ए बी मूव्स विद अ वेलोसिटी हाफ दिन दैट ऑफ ए देन बी हैज सो हंड्रेड एंड सिक्स का जो आंसर है दैट इज ए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दैट ऑफ ए सो जो हंड्रेड एंड सिक्स है उसका आंसर है ए हंड्रेड का आंसर है डी हंड्रेड का आंसर है सी हंड्रेड का आंसर है बी 110 की बात करें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट सो 110 का जो आंसर है दैट इज जिप्सम 111 की बात करें तो आंसर है डी ग्लास इज एक्चुअली अ वर्टिफाइड लिक्विड 111 का है डी 112 का है ए रेड लिटमस रेड लिटमस ओके 112 का ए 113 का जो है दैट इज सी हंड्रेड एंड का अगर हम देखे तो हंड्रेड एंड सो जो है की की so you know, की अगर हम बात करे, C, 116 की बात करे, D, 117 की बात करे, तो आंसर है डी सो so इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है ये स्टेटमेंट किन के बारे में है तो हम पहले पढ़ लेते हैं the time has come when the badges of honor make out shame glaring in their incongruent contest of humiliation and i for my part wish to stand shorn of all the specific special distinction by the side of my countrymen who for their so-called insignificance are liable to suffer degradation not fit for the human beings so 117th ka answer hai rabindranath tagore that is d part 118 ka jo answer hai that is b ये भी एक स्टेटमेंट दी हुई है 118 में और आपको बताना है ये स्टेटमेंट किन्ों ने बोली है सो दैट इज स्पोकन बाय महात्मा गांधी हंड्रेड हंड्रेड एंड नाइनटीन की अगर हम बात करें तो हंड्रेड एंड जो है उसका आंसर है बी इसमें भी एक स्टेटमेंट दी हुई है और आपको बताना है ये स्टेटमेंट कहाँ से ली गई है तो जो हंड्रेड एंड नाइनटीन है उसका ये जो है हंड्रेड एंड नाइन्थ बी ओके हंड्रेड एंड नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन ओ सॉरी

120 का जो है वो सी है और इसमें जो 121 है उसका जो आंसर है वो क्या है 121 का आंसर सी है ओके वन ट्वेंटी का ए है 123 का जो है दैट इज बी 124 का जो है दैट इज 124 का सी 125 का डी

वन ट्वेंटी नाइन्थ जो है उसका आंसर क्या है 129th का आंसर है डी अब आ जाते हैं 130th पे 130th जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है सो वन थर्टी एथ का जो आंसर है दर्टी एथ का है ए वन थर्टी टू का है बी क्या है सी वन थर्टी थ्री का क्या है बी ओके वन थर्टी थ्री का क्या है बी वन थर्टी फोर का क्या है ए वन थर्टी फोर का है ए

डी वन थर्टी नाइन का जो क्वेश्चन है सिल्वर वर्स ब्लैक फॉर्मेशन ऑफ वर्ट सो इट इज ऑक्साइड कोटिंग ऑन द सिल्वर सो वन थर्टी नाइन का जो आंसर है सॉरी वन फोर्टी वन में वो है Means एक से ज्यादा ऑप्शन है तो इसका ये जो जो है उसका आंसर होगा दैट ए ये वाला वन फोर्टी फोर का क्या है सी वन फोर्टी फोर का क्या सी वन फोर्टी फाइव का क्या है डी वन फोर्टी फाइव का डी वन फोर्टी सिक्स का क्या है सी ओके वन सिक्स का क्या है सी वन फोर्टी सेवन का जो है वो है बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल सो वन फोर्टी सेवन का आंसर है दैट इज बी वन फोर्टी सेवन का बी वन फोर्टी एट का आंसर है सी बोथ वन एंड टू वन फोर्टी नाइन का आंसर है डी ए बी और बी ओके सो वन फिफ्टी एथ का अगर देख लेते हैं क्या है वन फिफ्टी एथ का आंसर है सी बोथ वन एंड टू सो गाइज़ आप क्या कर सकते हो आप शुरू में जैसे अगर मैंने मेरी तो आपको जो ऑडियो आ रही होगी आप म्यूट करके आंसर्स को अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो क्योंकि मैंने वन फिफ्टी जो आंसर क्वेश्चन हैं उनके सबके आंसर्स लास्ट में दे रखे हैं सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट इट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एस एस पी सक्सेस थैंक यू गाइज बाय टेक केयर